खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 9 में। मैं अक्षय तिवारी आपका तहे दिल से एक बार स्वागत करता हूँ। ना बैंड बाजा ना बारात, महज कुछ लोगों और पंडित, इतने में ही हो गई ऐश्वर्या बैरागी और मोहित बैरागी की शादी। रविवार को दशहरी के गायत्री शक्तिपीठ में लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण से बचाव को देखते हुए बेहद सादगीपूर्ण तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यह शादी संपन्न कराई गई। वैष्णव बैरागी परिवार ने गायत्री शक्तिपीठ में एक सादे समारोह के बीच शादी का आयोजन में वर वधु पक्ष से 15-15 परिजनों की उपस्थिति में संपन्न हुई। ध्यान रहे, दुल्हन ऐश्वर्या का परिवार धार जिले के कुक्षी तहसील में रहता है। दुल्हन के पिता नहीं होने से शादी की चिंता करते हुए दुल्हन की माता ने बेटी का संबंध रतलाम जिले के लॉकडाउन लगने की वजह से शादी करने में परेशानी आ रही थी। आयोजन कैसे करें, जिस पर दुल्हन के नाते रिश्तेदारों ने मिलकर फूफा इंद्रदास वैष्णव ने दशहरी में यह शादी करने का निर्णय लिया गया। बहुत सादे समारोह में यह आयोजन किया गया। तो लड़की कहाँ की है? लड़की है कुक्षी की, मेरे साले की लड़की है, मैं उसका फूफा जी हूँ। उसके पिताजी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ कर रहा। बारात कहाँ से आई है? बारात है बांगरोस से आई है, रतलाम जिले से। और दोनों तरफ से कितने कितने सदस्य हैं? 15-15। लड़की का नाम क्या है? ऐश्वर्या। लड़के का? लड़के नाम मोहित बैरागी। सर लग तो नहीं रहा है अच्छा, लेकिन है ना, आज की इस कोरोना की COVID-19 के देखते हुए हमारे परिवार को स्वस्थ रखने के लिए हमारे जो हमारे प्रदेश में जिस प्रकार से ये महामारी फैली है, इस महामारी के को मद्देनजर रखते हुए हमने ये शादी का डिसीजन लिया। और यहाँ पर कोई ढोल नगारा और किसी प्रकार का कोई डेकोरेशन नहीं है, पर क्या करें, इसको हमें महत्व देना जरूरी है। और हमारे देश के लिए, हमारे गांव के नागरिक के लिए, हमारे प्रदेश के नागरिकों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग रखना भी जरूरी थी, इस कारण से यह विवाह हमने यहाँ किया। और एक प्रेरणा इससे यह भी मिलती है कि कम खर्च में बहुत बढ़िया शादी हो गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती कृष्णा शर्मा, बड़वानी से मैं आई हूँ। सरदारपुर से मनीष चौधरी की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ खबर 9।